नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब हमारे सहयोगी। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की, हेमंत सोरेन की, झारखंड सरकार का क्या होगा। यदि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी कर लेती है तो वहां अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन है कल्पना सोरेन, कहां से आई है, उनकी क्या खूबियां हैं, क्यों उनको सारे सहयोगी दल जो है स्वीकार करने के लिए तैयार है, यदि नहीं है तो प्लान भी क्या होगा हेमंत सोरेन का, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शादाब आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है जिसके लिए ये परिस्थिति पैदा हुई। बिल्कुल, देखिए बाबा, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त ईडी की पूछताछ हेमंत सोरेन से चल रही है। और खास बात यह है कि जब ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के घर पहुंचे तो वो अपने साथ हेलमेट भी लेकर गए थे, कार में एक पूरा हेलमेट का जखीरा अंदर गया है ताकि अगर कहीं अप्रिय स्थिति खड़ी हो, कोई मामला बिगड़े तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। जेएमएम कार्यकर्ता भी रांची में जुटे हुए हैं, चूंकि धारा 144 हेमंत के घर के आसपास लगी है तो उनको थोड़ी दूर पर रखा गया है जहां पर काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। और हेमंत सोरेन के घर में विधायक मौजूद हैं बाबा, विधायक आए हैं कांग्रेस के, आरजेडी के और जेएमएम के, जो कि उनके बंगले के अंदर बैठे हुए हैं। और बाहर हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी की आशंका उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जता रहे हैं, हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपने मामले की बात कही, जल्दी से मामला बता देते हैं। देखिये, जो ये मामला है हेमंत सोरेन के खिलाफ वो अवैध खनन और जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला है। रांची नगर निगम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और कहा गया था कि जो सेना की भूमि है उसको अवैध तरीके से बेच दिया गया। और इस मामले में अभी तक जो है 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है उसमें 14 लोग अंदर जा चुके हैं, इसलिए हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि एक मामला हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन का भी है, जिसमें उनके प्रेस सलाहकार के और दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस ईडी ने कार्रवाई की है। तो बाबा, ये दो मामले हैं, अवैध खनन और जमीन से जुड़ा हुआ मामला। जी हाँ, तो ये तो मामला बता दिया आपको शादाब ने। अब बात करते हैं राजनीति की। अब राजनीति की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो पहले दिल्ली आए। एक मुख्यमंत्री किसी राज्य का दिल्ली आता है, चार्टर प्लेन से आता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ लॉयर्स से, कानून जो है वकीलों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो मुख्यमंत्री गायब हो जाता है। ये एक बड़ी चर्चा की बात रही। उनका चार्टर प्लेन खड़ा ही रहता है, ईडी ढूंढ रही है। ईडी ने एक घर में छापा भी मारा, एक गाड़ी को भी जब्त किया, उससे पैसे भी जब्त किए और एकाएक हेमंत सोरेन रांची में दिखाई देते हैं। कांग्रेस और जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है, ये बीजेपी का जो आईटी सेल है वो इस तरह का प्रचार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने मेल किया था कि वो आज आएंगे, उनको गायब होने की बात क्यों कही जा रही है, ये एक राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। लेकिन आपको बताऊं कि वो गए कैसे, दो तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी ये है कि एक अखबार ने आज लिखा है कि वो यहाँ से एक चार्टर पर उनके किसी सांसद ने यहाँ पर कोई या उनके नेता ने एक चार्टर प्लेन बुक किया और वो उस जहाज से गए वहां पर कलकत्ता, और कलकत्ता पुलिस ने उसको अपने संरक्षण में झारखंड तक पहुंचाया। एक दूसरी कहानी ये कही जाती है कि वो बाय रोड यहाँ से निकले, बनारस गए। हाँ, बाय रोड निकले, पूरे यूपी में उन्होंने ट्रेवल किया, बनारस में जाके गढ़वा में जाके वो झारखंड में इंटर करते हैं। तो ये दो थ्योरी चल रही। निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है, जो भाजपा के सांसद हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को अरविंद केजरीवाल ने मदद की है दिल्ली से ले जाने में, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री को भगौड़ा भी बता रहे हैं, जिसका जेएमएम के लोग इतराज कर रहे हैं। तो बाबा, एक सवाल आपसे ये है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। यही मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो कल जब विधायकों की बैठक हुई तो हेमंत सोरेन अचानक अपनी पत्नी को लेकर सामने आ गए, विधायक भी सरप्राइज रह गए कि ये मुख्यमंत्री के साथ उनकी वाइफ क्यों आ गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या अपनी पत्नी का नाम वो आगे करना चाहते हैं जो उनकी वाइफ है, क्या वो दावेदार है अगर कोई घटना होती है तो? देखिए, अपने इतिहास में ना एक ऐसी ही बहुत बड़ी घटना हुई थी, जब लालू यादव जेल जाने वाले थे तो लालू यादव के सामने एक सवाल था कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। और मुझे याद है, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था, सीताराम केसरी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे और लालू यादव को सीताराम केसरी ने ये एडवाइस किया था कि तुम किसी पर भरोसा मत करो, राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दो। उसके बाद इतिहास अब आपके सामने, राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया लालू यादव ने, उन्होंने शपथ ली। लेकिन यहाँ पे स्थिति डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन पहले से तैयारी कर चुके हैं। हेमंत सोरेन को अंदाजा था कि इस केस में ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने एक पहले से ही एक सीट जो है वो खाली करा ली है, सरफराज जो अहमद जो है गांडे सीट जो है वो खाली करा ली है, और वो सीट जो है रिजर्व सीट नहीं है,
वो जो है वो जनरल सीट है, क्योंकि चूंकि वो कल्पना सोरेन जो है वो कहा जाता है कि वो मतलब मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, हालांकि उनकी पैदाइश जो है वो रांची की है, शिक्षा दीक्षा भी उनकी रांची में है, लेकिन वो सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। इसलिए तमाम सलाह मशविरा करने के बाद ही हेमंत सोरेन ने वो सीट जो है वो उनको जो है उनके लिए खाली। बाबा, तो दर्शकों को ये बताना भी जरूरी होगा कि आखिरकार जो कल्पना सोरेन है, क्या उनके लिए रास्ता इतना आसान है? देखिए, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, यानी जो हेमंत के बड़े भाई हैं दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी सीता सोरेन, वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने बयान दिया है कि मैं ही हर बार त्याग क्यों करूं, यानी वो कह रही हैं कि इस बार आप हटोगे तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा परिवार में एक झगड़ा भी चल रहा है। हालांकि वो बाहर बहुत ज्यादा नहीं आया है, लेकिन झारखंड के लोकल अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि जो दुर्गा सोरेन की वाइफ है वो दावा कर रही हैं। एक चंपई सोरेन भी हैं, उनके बारे में बताइए। चंपई सोरेन, पहले मैं सीता सोरेन के बारे में बता दूं। जी, सीता सोरेन जो है वो दुर्गा की वाइफ है, दुर्गा सोरेन की वाइफ है, जो कि जिनकी मृत्यु हो गई है, हेमंत सोरेन के भाई हैं, बड़े बेटे हैं और चुनाव भी लड़े थे, एमएलए भी रहे थे। सीता सोरेन जो है 3 बार की विधायक है, आपको बता दूं। और एक और खबर दे दूं, आज के समय में सीता सोरेन दिल्ली में है, वहां पे उन्होंने कहा कि कुछ निजी कामों से जा रही है, तो क्या वो दिल्ली में बैठ के क्या कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे नेताओं के साथ उनकी क्या कोई मुलाकात हो रही है? क्या एक और जो है सत्ता परिवर्तन आप क्या झारखंड में देख सकते हैं? इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सीता सोरेन आज के दिन में रांची में नहीं है, वो दिल्ली में है। किस कारण से दिल्ली में है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए। तो आप क्या इशारा कर रहे हैं कि जैसा अजीत परिवार, अजीत पवार के शरद परिवार के परिवार में हुआ, रामविलास पासवान के साथ के परिवार में जैसा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ इस तरह का घटनाक्रम भी क्या हो सकता है? एक संभावना है इस बात की? जरूर संभावना है, राजनीति में आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जिस ढंग से वहां पे टसल हो गया फैमिली में, सीता सोरेन भी है, वसंत सोरेन भी है, वसंत सोरेन एक और भाई एमएलए हैं, वो भी एमएलए, हालांकि उनपे भी जो है करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन सीता सोरेन जो है वो राजनीति की कोई नई खिलाड़ी नहीं है। वो 3 बार की, मैंने कहा ना, 3 बार की विधायक है, और आज के दिन वो दिल्ली में है, और उनकी मुलाकात जो है वो किस किस से कर रही होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये इशारा जो है दर्शकों के लिए काफी है कि क्या एक और ऑपरेशन जो है पॉलिटिकल ऑपरेशन झारखंड में सीता सोरेन के सहारे बीजेपी कर सकती है क्या? ये तो एक चंपई सोरेन के बारे में बताना जरूरी है कि चंपई सोरेन सबसे सीनियर एमएलए हैं, शिबू सोरेन जो यानी जो हेमंत सोरेन के पिता हैं उनके साथी रहे हैं, उनको टाइगर कहा जाता है, झारखंड का टाइगर उनका नाम है। हालांकि बहुत ही शरीफ आदमी है वो, सोरेन परिवार से उनकी वफादारी है, इसलिए ना वो कभी खिलाफ में बयान देते हैं, ना ही वो हेमंत सोरेन का उन्होंने कभी विरोध किया, उन्होंने हमेशा हेमंत सोरेन को समर्थन दिया है। तो पार्टी मंत्री है, परिवहन मंत्री है, तो पार्टी का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि अगर किसी सीनियर व्यक्ति को बनाना है तो चंपई सोरेन को भी बनाया जा सकता है, वो परिवार के लॉयल रहे हैं। लेकिन लेकिन बाबा, अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि जो सहयोगी दल है वो उनकी क्या भूमिका होगी, सहयोगी दलों की जो कांग्रेस है, आरजेडी है, वो क्या करेंगे अगर मान लिया अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है? हालांकि ये हाइपोथेटिकल है कि उनकी गिरफ्तारी होगी या ईडी वहां से चली जाएगी, छोड़ देगी उनको। देखिए, जो जो सहयोगी दलों की बात आपने कही, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका अधिकार होता है कि वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाता है। सहयोगी दलों को इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, और ये परंपरा है। जो सहयोगी दलों के साथ जो बैठक करी है हेमंत सोरेन ने, और जिसमें की कल्पना सोरेन को भी वो इंट्रोड्यूस कराया, हाँ इंट्रोड्यूस करा मिलवाया, तो बाकी सभी सहयोगी दलों ने कोई किसी ने एतराज नहीं किया है, सभी सहयोगी दलों ने मान लिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि कल्पना जो है कोई ऐसा नहीं है, कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है। कल्पना सोरेन एक हाईली क्वालिफाइड महिला है, इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने, उनके पास एमबीए की डिग्री है, वो एक स्कूल चलाती हैं, समझे, उसके बाद वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। भले ही वो सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन एक राजनीतिक परिवार में है, डे टू डे में भले ही उनका दखल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कई मुद्दों पर जो है वो हेमंत सोरेन को अपना राय मशविरा देती है। बाबा, एक बात और भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि जो कल्पना सोरेन है वो उनकी एक कमी भी है, उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, ये आड़े आ सकता है। हालांकि इसीलिए उनकी भाभी दावेदारी कर रही है। दूसरी बात यह है कि आपने सहयोगी दलों की बात की, उसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक माहौल ऐसा बना है कि किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार नहीं गिरनी चाहिए, भले उनकी वाइफ सीएम बन जाए, कोई और सीएम बन जाए,
क्योंकि अभी जो झटका बिहार में लगा है तो उससे उससे कांग्रेस के अंदर एक मैसेज है कि इस झारखंड में जो भी होगा वो स्मूथ होना चाहिए। ये जो अलायंस पार्टनर है जेएमएम, ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत जरूरी है और जो इंडिया अलायंस की ताकत है उसमें जेएमएम की एक भूमिका है। तो जो बाकी जो जो दल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, शिवसेना हो या जो दूसरे लोग हैं, वो समर्थन कर रहे हैं पूरी तरीके से हेमंत सोरेन का और कांग्रेस को भी बैक कर रहे हैं। और जो सहयोगी दल हैं वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड में सरकार बची रहे, सरकार ना गिरे। हेमंत सोरेन चाहे किसी को भी सीएम बना दे लेकिन वहां भाजपा ना आए, ये एक एजेंडा सबका है। और ये बात जो है, जहां तक मेरी जानकारी है कि जो वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी तक भी पहुंचा दिए, एक तरह से वहां से उन्होंने हरी झंडी ले ली है। तो इसका मतलब ये है कि जो सहयोगी दल है वो नहीं चाहते हैं सरकार गिरे, तो इस लिहाज से जो है हेमंत सोरेन की सरकार फिलहाल बचती दिख रही है। यदि कोई और दूसरा ऑपरेशन, जैसा मैंने कहा सीता सोरेन के जरिए, कोई और बीजेपी प्लान ना कर रही हो तो, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग बार बार कर रही है, कई लोग ये भी कहते हैं कि 356 लगाने का फिट केस है वहां पर, लेकिन बैकडोर से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है वहां पर एंट्री करना चाहेगी, भले ही जो है। अच्छा, एक चीज और है जो कल्पना सोरेन के बारे में जो एक बात कही जा रही है कि उनके लिए जो एक सीट खाली कराई गई है, सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन यदि हेमंत सोरेन ने इसको इनको शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के रूप में करा भी दिया तो जो है इसी साल नवंबर में वहां विधानसभा के चुनाव होने, उपचुनाव नहीं हो सकता है, हो सकता है टेक्निकली हो सकता है, 6 महीने के बाद विवाद हो रहा है। हाँ, इस पे एक कई चीज कहा जा रहा है कि शायद चुनाव आयोग हो सकता है वहां पे चुनाव ना कराए, तो चुनाव ना कराए तो वो 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह सकती हैं, उसके बाद एक और फिर क्राइसिस हो जाएगा वहां पर। तो इसको लेकर के जो है प्लान बी के तहत जो चंपई सोरेन का नाम आ रहा है, या फिर क्या हेमंत सोरेन सीता सोरेन पे विश्वास करेंगे, ये सारी बात चर्चाएं अभी पॉलिटिकल सर्किट में चल रही है। एक बाबा खबर और भी है जो दर्शकों को बताना जरूरी है कि कल हेमंत सोरेन ने अपनी जो विधायक दल की बैठक बुलाई सहयोगी दलों के साथ, तो उसमें उन्होंने दो पेपर्स पे साइन कराए हैं और सादे कागज पे एमएलए के साइन लिए गए हैं और माना जा रहा है कि ये पेपर गवर्नर को दिए जा सकते हैं अगर कोई गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है। तो एक में उनकी पत्नी का नाम है और एक में उनकी भाभी का नाम है, सीता सोरेन का नाम है, तो एमएलए ने साइन कर दिया है। तो उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि कोई अगर इस तरह की बात होती है तो उनके परिवार का ही कोई बैठेगा। एक बात करना और जरूरी है कि जो लोकसभा चुनाव है उस पर आपको क्या लगता है कि उस पर क्या असर पड़ेगा? ये जो ईडी की पूछताछ हो रही है, वो देश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो आपको लगता है क्या सिंपैथी मिलेगी हेमंत सोरेन को जिस तरीके से माहौल बन रहा है? देखिए, यदि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात यदि आप करते हैं तो झारखंड में वैसे ही बीजेपी अभी बहुत मजबूत स्थिति में, मेरे कल 14 में 12 सीटें वहां पर उन्होंने उनके पास है, तो उस लिहाज से तो अब अधिक से अधिक क्या उनको उससे अधिक 14 के 14 जीत जाएंगे वहां पर। लेकिन यदि आप वहां पर सरकार हटा देते हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, सरकार गिर जाती है, तो एक चिंता की बात यह है कि जैसा आपने कहा कि एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो क्या आप एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को इस ढंग से हटा करके क्या आप आदिवासी वोटरों को नाराज करना चाहेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये वही स्थिति है जो कि मुझे लगता है कि इसके लिए हमको इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री बार बार आदिवासियों की बात उठाते रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक आदिवासी राष्ट्रपति भी देश को दिया गया है। तो ऐसे में जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई ईडी कर ले, इसको लेकर संशय है, क्योंकि सिंपैथी वाला जो फैक्टर है राजनीति में वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जब सिंपैथी मिलती है तो फिर जनता फैसला सुनाती है, तो शायद बीजेपी को ऐसा लगता होगा। दूसरी बात, एक सवाल और भी है बाबा कि अब आप भाजपा की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, भाजपा ने भी वहां गठबंधन बना रखा है, आजसू उसके साथ है, समाजवादी पार्टी का एक एमएलए था वो उनके साथ चला गया, अब आपके बाबूलाल मरांडी भाजपा के साथ हैं, तो ये जो निशिकांत दुबे हमलावर हैं, तो भाजपा बाबूलाल मरांडी आजसू ये गठबंधन क्या कर रहा है? देखिए, दो गठबंधन, एक आपने बीजेपी गठबंधन की बात की, दूसरी तरफ जो है जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सारे, ये कुछ दिनों पहले तक जेडीयू का भी थोड़ा बहुत वोट है ही, वहां पर वो खड़ा करते हैं अपने अपने उम्मीदवारों को, तो ये दो गठबंधन है और इसी के बीच में लड़ाई है। सारा कुछ निर्भर करता है कि हेमंत सोरेन जो है वो बने रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। यदि वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, उसके बाद 2024 का जो चुनाव है जो है अब तो होने नजदीक दो महीने 60 दिन की बात है, तो क्या इन 60 दिनों के लिए
बीजेपी हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब करना चाहेगी, क्या फिर वही बात आदिवासी वोट बैंक की बात आती है, क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करने की बात आती है, क्या ये जोखिम बीजेपी उठाना चाहेगी? क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ढेर सारे जो है राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी जो है जितनी मतलब अच्छी खासी पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में लोकसभा चुनाव को सीटों के लिहाज से वहां पर झारखंड। हालांकि बीजेपी के नेता हमलावर हैं, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि हेमंत सोरेन जब दिल्ली में नहीं थे तो कहा उन्होंने कि हेमंत सोरेन भगौड़े हैं। निशिकांत दुबे भी लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ ट्वीट करते हैं। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ भी उनका ट्वीट आया था, आज भी उन्होंने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने हेमंत सोरेन को दिल्ली से निकाला है। तो बीजेपी के सारे नेता हमलावर हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है सादाब की ईडी क्या कार्रवाई करती है। क्या ईडी, जैसा आपने कहा कि हेलमेट उलमेट लेके गए हैं, तो वो इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने, आपने देखा कि क्या जो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, ईडी के ऊपर हमला हुआ, उस लिहाज से गए थे क्योंकि उनको डर था कि कार्यकर्ता बहुत सारे जमा हो जाएंगे। हालांकि जेएमएम और बाकी दलों ने उनको एडवाइस किया कि कार्यकर्ता कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। तो अब जो है राजनीतिक रूप से हम तभी कुछ कर पाएंगे जब तक ईडी एक कदम, ईडी का अगला कदम क्या होता है, तब तक हम केवल ये कयास लगा सकते हैं कि क्या ऐसा होता है तो क्या ऐसा होगा। ऐसा होता है यदि मान लीजिए ईडी कोई कार्रवाई करती है तो क्या कल्पना चीफ मिनिस्टर हो सकती है। हम आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही, मनोरंजन भारती और सादा आपको इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।